आज हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी द डार्केस्ट माइंड. द डार्केस्ट माइंड इज द अडेप्टेशन ऑफ द ट्रायलॉजी बुक द डार्केस्ट माइंड रिटन बाय अलेक्जेंड्रा ब्रैकन. अब इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेनिफर यू नेल्सन ने, जिन्होंने कुंफू पांडा 2 और कुंफू पांडा 3 भी डायरेक्ट करी है, और इस मूवी को रिटन किया है क्लैड होगे ने. इस मूवी की कास्ट की बात करते हैं तो ये मूवी में चार लीड कैरेक्टर हैं, अमांडा हैरिस, स्काईलैन और सुजेन, जिन्होंने रिस्पेक्टिवली रूबी लियाम, चप्स और मिया का कैरेक्टर निभाया है. बेसिकली ये स्टोरी इन चार बच्चों की ही है. परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे चारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. मतलब रूबी लियाम, चप चप की तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ही इज अ वेरी कॉमेडी साइड उसका दिखाया है, वेरी नाइस परफॉर्मेंस. और मिया की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसको एक साइलेंट गर्ल मतलब म्यूट गर्ल बताया है बट विद अ पावर. बट रूबी द लीड कैरेक्टर शी इम्प्रेस मी अ लॉट. लियाम की भी एक्टिंग ओके थी बट आई लाइक इट. इवन द क्लेंजी ग्रे का कैरेक्टर जिसने निभाया उसका भी बहुत अच्छा एक्टिंग था. तो एक्टिंग वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज दिस मूवी इज वेरी गुड. जो थोड़ी गड़बड़ हुई है वो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के कारण हुई. मूवी की स्टोरी की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी साइंस फिक्शन थ्रिलर सॉर्ट ऑफ मूवी है जो फ्यूचर की है और यूएस की है. तो यूएस में एक मिस्टीरियस बीमारी EN नाम की बीमारी का प्रकोप हुआ है जिसने सिर्फ बच्चों को ही हाथ लगाया है. तो इस मूवी में 90% बच्चे इस बीमारी के कारण मर चुके हैं, और जो 10% बच्चे सर्वाइव किए हैं उनमें एक स्पेशल पावर डेवलप हो गई है. तो उन बच्चों को जो 10% बच्चे हैं उनको यूएस गवर्नमेंट ने एक कैंप में भेजने के लिए बोला है उनके पेरेंट्स से. एक कैंप जिसमें इन बच्चों को कलर के हिसाब से डिवाइड कर दिया है. तो ग्रीन इज द सेफेस्ट एंड इंटेलिजेंट वन, बहुत इंटेलिजेंट, मैथ्स पजल सब सॉल्व कर लेते हैं. देन देयर इज ब्लू जो टेलीपैथी से काम करते हैं. देन इट कम्स येलो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं. देन देयर कम्स द टू डेंजरस वन, रेड जो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो लीथल ऑरेंज वन जो है वो आपके दिमाग में घुस के आपका थॉट चेंज कर सकते हैं. इसलिए यूएस गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ ऑरेंज है जिनको उनको मार देना है क्योंकि उनको लगता है ये ज्यादा डेंजर. इस मूवी की बात करते हैं, ये मूवी ना स्टार्टिंग के 40 मिनट में आपको बहुत एंगेज रखती है. इतना इमोशंस, इतनी गुड एक्टिंग, गुड परफॉर्मेंस और एक क्यूरियोसिटी के साथ आप स्टार्टिंग के 40 मिनट घुसे रहते हो मूवी में कि यार चल रहा है, और एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती है. लेकिन जैसे ही बच्चों का रोड जर्नी चालू होता है आपको लगता है क्या दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है. तो कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग, कुछ सिचुएशन वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मेल करती हुई नजर नहीं आती, और जो इफेक्ट्स उस जर्नी में दिए हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी, इन्हीं सब कारणों से जो नेक्स्ट 40 से 45 मिनट है वो आपको लगता है यार क्या दिखा रहे हैं. एंड देन सिचुएशन मूवी में आप फिर भी बंधे हुए रहते हो, लेकिन इन्हीं सब, जैसे एक डायलॉग है जिसमें वो चारों ट्रुप के ऊपर एक किडनैपर अटैक करता है, तो रूबी उसका हाथ पकड़ के उसको आंखों में देखते हुए बोलती है कि तुम इस जंगल में चले जाओगे और तब तक नहीं रुकोगे, भूख भी लगेगी तो भी नहीं रुकोगे, किसी के कहने पे भी नहीं रुकोगे, लाइक उस टाइप के जो डायलॉग्स है ना, तो इस मूवी में उस सिचुएशन में वो फिट, और मतलब बोलने का तरीका इन दिस डायलॉग्स ये कुछ अनफिट नहीं बैठता. रोड जर्नी के मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में लव केमिस्ट्री आ जाती है. अब लव केमिस्ट्री आ गई है तो जलन भी आएगी, अब जलन के बाद त्याग बलिदान की भावना भी आएगी, और इसी के साथ ये मूवी आगे बढ़ती रहती है. रेड जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल बच्चे ही दिखाए जो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस मूवी में उन रेड को एज अ सोल्जर और डेंजरस बता दिया, जो मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकाल के सबको मार रहे हैं. ठीक है, अब इसमें एक और जो कैरेक्टर है क्लेंजी ग्रे का, जो प्रेसिडेंट का बच्चा है, जो और ऑरेंज है. इस मूवी में एक्चुअली रूबी और क्लेंजी ग्रे इन दोनों को ही ऑरेंज बताया है, जिसमें रूबी इज ऑन द पॉजिटिव साइड और क्लेंजी ग्रे जो है नेगेटिव साइड में बता दिया है. अब इस मूवी में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्लेंजी ग्रे आर्मी क्यों बनाना है और वो कैसे यूएस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जबकि स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट ग्रे उसके फादर ने उसको छोड़ दिया था, उसके ट्रीटमेंट के बाद उसको
छोड़ दिया था एंड ही सेड कि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट एट द एंड उसको एक यूएस गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के फ्लाइट से बाहर निकलते हुए दिखाया है और आर्मी को लीड करते हुए दिखाया है एंड देन इफेक्ट्स जिसकी जरूरत नहीं है मूवी में. तो वो जो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के कारण जो बात के 40 मिनट गड़बड़ हो गए हैं तो आपको लगता है क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आप मूवी में बंधे रहते हो. इन्हीं सब कारणों के कारण आई विल गिव दिस मूवी 3 out of 5. मेरे ख्याल से ये वन टाइम वॉच है और टीनेजर्स को ये मूवी बहुत पसंद आने के चांसेस है, वो नहीं बोल सकते कि अच्छी नहीं थी. अडल्ट्स के लिए स्टार्टिंग के 40 मिनट्स को छोड़ के बाद के 40 मिनट्स थोड़े से अजीब लगेंगे, बट मूवी एक वॉच है. थोड़ा जो इंटरेस्टिंग जो ट्राई सीरीज है द डार्केस्ट माइंड उससे थोड़ा सा चेंजेस किया, बट इट्स अ गुड मूवी, गुड वॉच. If you like my video, please don't forget to subscribe, like and share.